हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज ब्रजेश। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? यस, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। बाकी एक चीज़ और है फ्रेंड्स, देखिए हमारे लिए उतना ही बेहतर है जितना हम नेगेटिविटी से दूर रहें और अपने आप को व्यस्त रखें। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने इन्फ्रेंसेज को समझा था। फिर हमने इन्फ्रेंसेज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, पिछले पिछले क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चन किए थे। आज भी हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन्फ्रेंसेज पे। बट इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो सी सेट में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो काफ़ी बढ़ जाएगी, और दूसरा मेरी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर मेरी दोनों अच्छे हैं तो मेरे लिए ये क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाएगा, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो पैसेज वन है, देखिए, ए बैट विंग्स मे लुक, यस इट इज, सो ए बैट विंग्स मे लुक लाइक शीट्स ऑफ ए स्किन बट अंडरनीथ ए बैट हैज द सेम फाइव फिंगर्स एज एन ओरंगटन और ए ह्यूमन एज वेल एज ए रिस्ट कनेक्टेड टू द सेम क्लस्टर ऑफ रिस्ट बोन्स कनेक्टेड टू द सेम लॉन्ग बोन्स ऑफ द आर्म। यस, जैसे यहाँ पे देखिए बात हो रही है एक बैट की, जिसकी भी इंसानों की तरह पांच फिंगर्स होती हैं, और वो जैसे एज दे आर कनेक्टेड सेम क्लस्टर की तरह, जैसे इंसानों की उंगलियां होती है जैसे सेम क्लस्टर की तरह जुड़ी होती हैं, और फिर एक जैसे रिस्ट बोन के थ्रू एक बाजू की तरह कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट, बट कैन बी मोर क्यूरियस देन दैट द हैंड ऑफ ए मैन। यस, कहता है इससे भी ज़्यादा रोचक क्या हो सकता है, जैसे इंसान का हाथ जैसे पकड़ने के लिए होता है फॉर्म्ड फॉर ग्रास्पिंग, दैट ऑफ ए मोल फॉर डिगिंग, जैसे एक मोल छचुंदर हो या जैसे वो डिगिंग के लिए इस्तेमाल करता है अपना हाथ, और जैसे लेग ऑफ द हॉर्स, जैसे हॉर्स अपनी लेग इस्तेमाल करता है, जैसे द लेग ऑफ द हॉर्स, जैसे घोड़े की लात होती है, जैसे एंड सिमिलरली द पेडल्स ऑफ द पॉर्पोइज। फ्रेंड, यहाँ पे जो पॉर्पोइज यूज किया गया है, ये एक मैमल है, इट्स अ काइंड ऑफ मैमल लाइक वेल, एंड द विंग ऑफ द बैट should all be constructed on the same pattern, right? आखिर में author पूछ रहा है क्या ये सभी same pattern पे बने होते हैं या right? तो चलिए अब question पे चलते हैं। देखिए friend, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए best thing is कि मैं जल्दी से options पढ़ूं और उनमें से वो option मैं eliminate कर दूं जो irrelevant है, out of the context है, राइट? इससे क्या है, मेरे को ये क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा समय कम लगेगा, और जैसे मेरा अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल साइंटिफिक एंड रेशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज Different species have similar structure of hands is an example of biodiversity. So option A is not mentioned specifically. Friends, author कहीं पे भी biodiversity की बात नहीं कर रहा है paragraph में। यहाँ पे बात हो रही है different kinds of animals में सिमिलर पैटर्न की, सिमिलर जैसे सिमिलर अलग अलग एनिमल्स में कुछ
खास पैटर्न दिखाई देते हैं, उस चीज की बात हो रही है, बायोडायवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। सो वी कैन इजिली इलिमिनेट दिस ऑप्शन। सिमिलरली ऑप्शन बी को चेक करते हैं, लिम्स बींग यूज बाई डिफरेंट स्पीसीज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, इसी तरह से हम ऑप्शन बी को भी इलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सी ऑप्शन एंड इट इज मैन एंड द अफोर मेंशनड एनिमल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंस इन इवोल्यूशन। कोइंसिडेंस इन एवोल्यूशन। सो फ्रेंड्स ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी साउंड्स करेक्ट बट इट इज नॉट एज कोइंसिडेंस इन इवोल्यूशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशनड। कोइंसिडेंस इन एवोल्यूशन इट इज नो वेयर मेंशनड, राइट। नेक्स्ट इज डी ऑप्शन, मैन एंड द अफोर मेंशनड एनिमल्स हैव ए शेयर्ड इवोल्यूशन हिस्ट्री। यस, इट डी इज द बेस्ट एज ए शेयर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मेक्स इट ए वेरी क्यूरियस सिचुएशन। सो डी इज द राइट आंसर हेयर। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू एंड इट इज इंडियाज इकोनॉमिक फुटप्रिंट। इकोनॉमिक पे है ये पैसेज एंड इट इज इंडियाज इकोनॉमिक फुटप्रिंट गिवन इट्स पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए इसकी जो इकोनॉमिक है फुटप्रिंट है स्टिल्स रिमेन स्मॉलर कंपेयर टू यूएस यूरोपियन यूनियन और चाइना। यस, यूरोपियन यूनियन और चाइना और अमेरिका की कंपैरेटिवली जो हमारे इकोनॉमिक फुटप्रिंट है वो बहुत कम है। इट हैज़ मच टू लर्न फ्रॉम अदर इकोनॉमीज। हम दूसरी इकोनॉमी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। येट मस्ट इम्प्लीमेंट सोल्यूशन दैट फिट इट्स यूनिक सर्कमस्टांसेस। देखिए, हम दूसरे कंट्रियों से ये चीज़ सीख सकते हैं बट ये हमारे सर्कमस्टांसेस के मुताबिक भी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, इंडिया स्पेशली नीड्स एन इफेक्टिव लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन रादर देन द करंट टॉप डाउन अप्रोच। इंडिया को एक लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत है जो कि कोलैबोरेशन पे बेस्ड हो, ना कि टॉप डाउन अप्रोच पे बेस्ड हो, राइट। नेक्स्ट, रेगुलेशंस सीक डिजायरेबल आउटकम्स येट आर रिपीटेडली यूज एज पोलिटिकल टूल्स टू पुश वन एजेंडा और अनदर। देखिए, जो रेगुलेशंस होते हैं उनका मकसद होता है कि हमें डिजायरेबल रिजल्ट मिल सके, आउटकम्स मिल सकें, परंतु उनको पोलिटिकल एजेंडाज के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। ऑफन रेगुलेशंस फेल टू कंसिडर इम्पैक्ट ऑन जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, रेगुलेशन वहाँ पे भी फेल होते हैं जहाँ पे जॉब्स और इकोनॉमिक की ग्रोथ की बात आती है और लेस रिस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव, राइट। नेक्स्ट, रेगुलेशन में बी यूज टू प्रोटेक्ट लोकल मार्केट्स एट द एक्सपेंस ऑफ मोर वाइडली शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन द फ्यूचर। सी, रेगुलेशन को हम वहाँ पे लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ मोर वाइडली शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन द फ्यूचर। ठीक है जी। नेक्स्ट, एडिशनली रेगुलेशंस इनएविटेबली रिजल्ट इन न्यूमरस अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। रेगुलेशंस के कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इन टूडेज हाइपर कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी रेगुलेशंस नीड टू बी व्यूड एज वेपन्स दैट सीक कॉस्ट जस्टिफाइड सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स वाइल इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ मोस्ट सिटीजन्स। सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक की बात हो रही है, रेगुलेशंस की बात हो रही है, राइट। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है दैट इज इंडियाज इकोनॉमिक फुटप्रिंट गिवन इट्स पॉपुलेशन स्टिल रिमेंस स्मॉल कंपेयर टू द यूएस, राइट। तो इसका हमने ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फ्रेंड,
क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल रेशनल एंड क्रूशियल इन्फरेंस दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द अबव पैसेज। सो फ्रेंड, मैंने जैसे आपको बताया था, हमने स्टार्ट करना है एक एक ऑप्शन से, और जो हमें लगे कि इररिलेवेंट है और जैसे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, उसको हमने जल्दी से एलिमिनेट कर देना है। और फिर जब हमारे पास जैसे कुछ ऑप्शंस बच जाती हैं, उसमें से हमने मोस्ट लॉजिकल या एज पर द क्वेश्चन डिमांड हमने वो उस ऑप्शन को आंसर मार्क करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं। ए बेटर रेगुलेटरी सिस्टम विल इम्प्रूव इंडिया अचीव द साइज ऑफ इकोनॉमी अप्रोप्रिएट फॉर इट्स पॉपुलेशन। सो थोड़ा ठीक लगता है, इसको हम होल्ड में रख लेते हैं, इलिमिनेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज बी। इन ए कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी, इन ए कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया मस्ट यूज रेगुलेशन स्ट्रेटेजिकली। यस, इसको भी हम होल्ड पे रख लेते हैं, अभी इसको हम मार्क नहीं करते। नेक्स्ट इज सी ऑप्शन। इट इज रेगुलेशन इन इंडिया डो नॉट फेवर इट्स इंटीग्रेशन विद टूडेज हाइपर कॉम्पिटेटिव ग्लोबल इकोनॉमी। फ्रेंड, जो सी ऑप्शन है, देखिए ये हमारा एक इन्फ्लुएंस नहीं बनता है, ये एक हमारी जैसे एक इशू है जो ऑलरेडी पैराग्राफ में डिस्कस किया जा चुका है, राइट। इट इज वन ऑफ द डिस्कस्ड इशू, ये हमने ये हमारे पैसेज में इशू डिस्कस हो चुका है, ये हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट। सिमिलरली ऑप्शन डी को देख लेते हैं, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी डोमिनेंट कंसिडरेशन इन डेवलपिंग इंडियाज रेगुलेटरी सिस्टम, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज। देखिए एक बार बैक चलते हैं, यहाँ पे देखिए एडिशनली यहाँ पे जॉब्स की बात हुई थी। रेगुलेशन फेल टू कंसिडर इम्पैक्ट ऑन जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। तो ये भी एक हमारा इशू था जो डिस्कस हो चुका है, ये पैसेज में डिस्कस हुआ है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, ए एंड बी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बी और ए में से दोनों ही मेरे लॉजिकल इन्फरेंस बन सकते हैं, बट मैंने आपको पहले बताया मैंने मोस्ट लॉजिकल रेशनल एंड क्रूशियल इन्फरेंस निकालना है यहाँ पे। तो देखिए जो हमारा पैसेज है उसमें पहले सबसे पहले जो बताया गया था, जैसे इंडियाज इकोनॉमिक फुटप्रिंट गिवन इट्स पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए जो ये फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए इंडियाज का इकोनॉमिक फुटप्रिंट है दैट इज स्मॉल। सो इकोनॉमिक्स के साइज की बात हुई है, साइज ऑफ इकोनॉमी इसकी बात हुई है, राइट। सो ऑप्शन ए इज द बेस्ट बिकॉज द पैसेज स्टार्टेड विद द साइज ऑफ इकोनॉमी, then it went on to discuss the problem of regulatory system, so A is better than B, so we will mark A as our answer, right. So let's move to question number 3. Global population was around 1.6 billion in 1990, today it is around 7.2 billion and growing. Yes, global population के बारे में बता रहे हैं, 1990 में इट वॉज 1.6 बिलियन एंड टुडे इट इज 7.2 बिलियन एंड स्टिल ग्रोइंग। रिसेंट एस्टिमेट्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेडिक्ट ए ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ 9.6 बिलियन इन 2050 एंड इट विल बी अराउंड 9.6 बिलियन इन 2050 एंड 10.9 बिलियन इन 2100 एंड इट विल बी 10.9 बिलियन इन 2100। अनलाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका where only 3-4% of population is engaged in agriculture, America
अनलाइक यूरोप एंड अमेरिका में जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड अराउंड 3 to 4% ओनली पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर, राइट। अराउंड 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड इन केस ऑफ आवर कंट्री 47% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आथर बात कर रहा है, एक तो पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, दूसरा पॉपुलेशन की डिपेंडेंस की बात कर रहा है एग्रीकल्चर पे, राइट। पॉपुलेशन डिपेंडेंस ऑन अपॉन एग्रीकल्चर की बात हो रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इवन इफ इंडिया कंटिन्यू टू डू सो वेल इन द सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिक्स अप, इट इज एक्सपेक्टेड दैट अराउंड 2030 व्हेन इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, नियरली 42% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल स्टिल बी प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। यस, यहाँ पे बात कर रहे हैं 2030 में जब हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को लगभग क्रॉस कर जाएगी, तब भी हमारी जो पॉपुलेशन है 42% विल बी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, राइट। स्टिल वेरी बिग एज कंपेयर टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका पॉपुलेशन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है, ऑप्शन ए इज प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया, यस इट इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया। देखिए फ्रेंड ए ऑप्शन इज रूल्ड आउट एज इट इज ए जजमेंट, ये एक जजमेंट है, हम इन्फरेंस नहीं है, राइट। तो इसको हम इट कैन बी इलिमिनेटेड रूल्ड आउट, राइट। नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर, इसको हम होल्ड पे रख लेते हैं, लेट अस सी अदर ऑप्शंस। इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए यहाँ पे कहीं पे बात नहीं की गई है कि हमें अपनी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल में करना चाहिए, सो वी कैन इलिमिनेट दिस ऑप्शन। इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटीज शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशंस टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, नो वे आर मैंशनड इन द पैराग्राफ सो वी कैन इजिली इलिमिनेट दिस। सो देखिए जो मेन इन्फ्रेंस जो निकल के आता है, जो मेन आथर या पैसेज जिस बात की बात कर रहा था, और इन द पैसेज ऑथर वाज डिस्कसिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, सो इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर, यस। और ये बताया गया था जैसे अराउंड 47 पॉपुलेशन है इंडिया की दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एंड बाय 2030 इवन 42% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो बी इज द राइट आंसर हियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। आई एम ए साइंटिस्ट प्रिविलेज टू बी समबडी हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड नेचर यूजिंग द टूल्स ऑफ साइंस, बट इट इज ऑल्सो क्लियर दैट देर आर सम रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट साइंस कैन नॉट रियली आंसर सच एज वाई देर इज समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, यस। नेक्स्ट वाई आर वी हेयर इन दोज डोमेन्स आई हैव फाउंड दैट फेथ प्रोवाइड्स ए बेटर पाथ टू आंसर,
आई फाइंड इट ऑर्डरली एनार्कोनिस्टिक दैट इन टूडेज एग्रीकल्चर देयर सीम्स टू बी ए वाइड स्प्रेड प्रीजम्पशन दैट साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल व्यूज आर इनकम्पेटिबल इनकम्पेटिबल। फ्रेंड्स सारा पैराग्राफ में देखिए बात करते हैं ऑथर ऑथर जैसे पैसेज में बात हो रही है ऑथर कहता है कि आई एम ए साइंटिस्ट प्रिविलेज टू बी समबडी हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड नेचर नेचर यूजिंग टूल्स ऑफ साइंस। यस साइंस के जो टूल्स हैं उसकी मदद से मैं नेचर को समझने की कोशिश करता हूँ बट इट इज ऑल्सो क्लियर दैट देर आर सम रियली परंतु ऐसा है बट इट इज ऑल्सो क्लियर ये भी साफ है कि ये कुछ क्वेश्चन है जिनका उत्तर साइंस के पास नहीं है जैसे कि ये वाई देर इज समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग कुछ भी ना होने के बावजूद भी यहाँ पे जैसे ये सब कुछ है क्यों है हम यहाँ पे क्यों हैं वाई आर वी हेयर इन दोज डोमेन्स इन क्षेत्रों में आई हैव फाउंड दैट फेथ प्रोवाइड्स ए बेटर पाथ टू आंसर इन क्षेत्रों में मैंने मैंने मतलब आई हैव फाउंड मीन्स मुझे पता लगा है कि विश्वास करने से इन चीज़ों के इनको उत्तर मिल सकते हैं। आई फाइंड इट ऑर्डरली एनार्किस्ट मुझे आई फाइंड इट ऑर्डरली एनार्किस्ट मीन्स ऑथर इज अगेंस्ट द व्यू दैट इन टूडेज कल्चर देयर सीम्स टू बी वाइड स्प्रेड प्रिजम्पशन दैट साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल व्यूज आर इनकम्पेटिबल। देखिए जो ऑथर है ही इज अगेंस्ट ऑफ अगेंस्ट द व्यू दैट साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल व्यूज आर इनकम्पेटिबल मीन्स साइंटिफिक और स्पिरिचुअल व्यूज अकॉर्डिंग टू ऑथर आर कंपेटिबल राइट। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज इट इज फेथ एंड नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनकाइंड। सो फ्रेंड्स ए इज क्लियरली इनकरेक्ट एज इट इज नो वेयर मैंशनड कहीं पे ये नहीं बताया गया है इट इज द फेथ एंड नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड कहीं पे ये नहीं बताया गया है कि विश्वास से या जैसे फेथ से हमें सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। सो वी कैन इलिमिनेट दिस ऑप्शन साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड। यस बिकॉज देखिए लास्ट लाइन्स में ऑथर ने बात की थी कि स्टिल द सोसाइटी यस यहाँ पे देखिए ऑथर ने कहा था यहाँ पे पैसेज में ऑथर कहता है आई फाइंड इट ऑर्डरली एनार्कोनिस्ट दैट इन टूडेज कल्चर देयर सीम टू बी वाइड स्प्रेड प्रिजम्पशन दैट साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल व्यूज आर इनकम्पेटिबल दैट मीन्स ऑथर इज इन एग्रीमेंट विद दैट साइंस साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल व्यूज आर कंपेटिबल राइट। सो इसको हम होल्ड पे रख लेते हैं नेक्स्ट वी सी चेक ऑप्शन सी दैट इज देयर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर्ड बाय ईदर साइंस और फेथ यस नॉट मेंशन इन द पैसेज। देखिए वहां पे बात यस फ्रेंड्स एक बार इसको सी ऑप्शन को देख लेते हैं वहां पे जैसे यहाँ पे बात हुई है इट इज आल्सो क्लियर दैट इट इज आल्सो क्लियर दैट देर आर सम रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट साइंस कैन नॉट रियली आंसर। यहाँ पे फेथ की बात नहीं हो रही है इसलिए हमने सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट इज डी इन टूडेज कल्चर साइंटिफिक व्यूज आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन स्पिरिचुअल व्यूज नो वेयर मैंशनड इसकी तो बात ही नहीं हो रही है कि आजकल कल्चर में साइंस को हम ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं ठीक है जी। अब देखिए हमारे आई एम लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन दैट इज बी सो बी इज द मोस्ट लॉजिकल रेशनल इन्फरेंस हेयर। फ्रेंड्स चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। कुकिंग विद बायोमास एंड कोल इन इंडिया इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू काज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम विद विमेन एंड चिल्ड्रन इन पुअर पॉपुलेशन फेसिंग द ग्रेटेस्ट रिस्क। यस, कुकिंग विद बायोमास एंड कोल इन इंडिया टू मेजर प्रॉब्लम चिल्ड्रन इन पुअर पॉपुलेशन फेसिंग द ग्रेटेस्ट रिस्क। यस, देर आर मोर देन 10 लाख प्रीमेच्योर डेथ्स फ्रेंड्स, जैसे समय से पहले ही जो जो मौतें हो जाती हैं उनको कहते हैं। ईच ईयर फ्रॉम हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन ड्यू टू पॉल्यूटिंग कुकिंग फ्यूल्स विद अनदर 1.5 लाख ड्यू टू देयर कंट्रीब्यूशन टू जनरल आउटडोर एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री। ऑल्दो द फ्रैक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन यूजिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल सच एज LPG, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी इज स्लोली राइजिंग, राइट। द नंबर यूजिंग polluting solid fuels as their primary cooking fuel has remained static for nearly 30 years at about 70 crore. Yes. चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is the most crucial and logical inference that can be made from the above passage? Number one option को चेक करते हैं। Rural people are giving up the use of polluting solid fuels due to their increasing awareness of health hazards. पहले तो देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन, एक तो जो हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है बिल्कुल उसके उसको ध्यान में रखते हुए या इस पे जो इसमें मैसेज गया है, तो जो हमारी PMUY जो योजना है वो रियल वही वही मैसेज रिफ्लेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, रूरल पीपल आर गिविंग अप यूज ऑफ पोल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हैजार्ड। देखिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे, पैराग्राफ में कहीं पे मेंशन नहीं है ये चीज़, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल विल आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इंडोर एयर पॉल्यूशन। कहीं पे सब्सिडी की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखिए सी ऑप्शन, इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इम्पोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी। नो वेयर मेंशन फ्रेंड्स, राइट। नाउ एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ इन पुअर हाउस होल्ड्स। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाती है डी, एंड ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा इट इज द मोस्ट क्रूशियल एंड लॉजिकल इन्फेरेंस हेयर, राइट। एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ इन पुअर हाउस होल्ड्स। सो फ्रेंड्स थैंक यू।